नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें, दरभंगा नगर निगम की ज़मीन को किस तरह भू माफियाओं के द्वारा एक साजिश के तहत हड़प लिया जाता है और नगर निगम सोई रहती है। ये मामला जब प्रकाश में आया, पूरे दरभंगा की एक एक जनता नगर निगम को कोस रही है कि आखिर कैसे हुआ। हम करेंगे वार्ड 11 में अभी जो पार्षद बनी है सोनी पूर्वे हमारे साथ हैं। सोनी पूर्वे जी को जब से जानकारी मिली तब से बेचैन है। ये कभी विधायक के पास, कभी दरभंगा डीएम के पास, नगर आयुक्त के पास से लेकर पटना तक दौड़ रही हैं कि इनके वार्ड में क्या हो गया। हसन चौक के पास जो ज़मीन थी जिस पर एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनना था, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना था, उसको कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के द्वारा रजिस्ट्री करवा लिया गया। सोनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सोनी जी, ये बताइए आपके वार्ड में क्या हुआ, ये कौन सी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ, जनता को बताइए। ये भैया, मैं शनिवार को एक विशेष बैठक नगर निगम में रखी गई थी, उस दिन मैं वहाँ नहीं गई थी किसी कारण बस। फिर न्यूज़ के द्वारा मुझे पता चला कि हमारे हसन चौक पार्किंग की जो ज़मीन है उस पे कुछ हिस्से का जमाबंदी करा लिया गया है गलत तरीके से। मैं सुन के दंग कि सरकारी ज़मीन का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। पद अधिकारी एवं भू माफियों के द्वारा जमीन, निजी जमीन, पोखर, तालाब, डबरा आदि का तो अतिक्रमण कई सालों से चलते आ रहा, लेकिन ये 3-4 साल के अंदर में मतलब क्या बताएं, इतने ज़बरदस्त तरीके से इसको भू माफिया ने गलत तरीके से जमाबंदी करना जो शुरू किया है उसकी क्या कहें। ये कब हुआ ये सोनी जी, ये जमाबंदी कब हुई, उस समय पार्षद कौन थे और उस समय ये कौन से ईस्वी में हुआ है? ये 1994 का जमाबंदी का डेट दिख रहा है। 1994 का ही? हाँ जी। तो ये जमाबंदी होगी 1994 में, इसके बाद से क्या नगर निगम सोई भी थी, क्या नगर निगम को इस बात की जानकारी नहीं है? जब नगर निगम वहाँ पर उस क्षेत्र में गाड़ियाँ लगवाती है, वहाँ पर उसको पार्किंग बना दिया गया है, पार्किंग से पैसे आते हैं, तो क्या ये नगर निगम को पता नहीं कि आखिर इसमें से कौन परशुराम शाह है? ये कौन है परशुराम शाह? ये कोई शंकरपुर के परशुराम शाह जी हैं और इसकी जानकारी कई बार विभाग को दिया गया, लेकिन ठोस कदम अभी तक किसी ने भी नहीं, कोई भी अधिकारी ने नहीं उठाई है। यहाँ शहरी क्षेत्र में गरीब गुरबों का काम नहीं हुआ सही तरीके से। बिना पैसे का एक भी काम अगर आप पता कर ले तो बिना बिचौलियों के द्वारा, घुसखोरियों के द्वारा कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ तक कि भैया मैं आपको क्या बताऊँ, शनिवार को जो थाना पे बैठक होती है उस समय में भी सीधे जो है कोई कागज़ देख के समाधान नहीं बताया जाता, सीधे तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब क्या बताऊं आपको, अधिकारी तो अधिकारी, यानी कि ये सीओ की लापरवाही पूरी तरह है या उसके यहाँ जो एजेंट होंगे जो दलाली करते हैं। हम बता दें कि दरभंगा के कई ऐसे प्रखंड हैं जहाँ सीओ कार्यालय से बड़े पैमाने पर दलाली का कार्य चलता है, जो सरकारी भूमि को निजी बना देते हैं और निजी को सरकारी बना देते हैं। और कैसे दरभंगा नगर निगम की ज़मीन को इन लोगों ने जमाबंदी कर दी, और ये सबसे बड़ी बात है, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? आपने क्या कहा नगर आयुक्त से, आप विधायक से भी मिले हैं? मैंने लगभग 10-15 दिन हो चुका है, मैंने नगर विधायक जी को भी आवेदन दिया, नगर आयुक्त महोदय को मैंने निवेदन दिया, आवेदन दिया, डीएम सर को मैंने आवेदन दिया, यहाँ तक कि मैंने आपको बताऊँ, ये दिखा रही हूँ एक पेपर, मैंने पटना भू अर्जन राजस्व, हाँ राजस्व विभाग में जाके मैंने ये आवेदन दिया है। आप देख रहे होंगे ये 26/7 को मैंने ये आवेदन दिया है। तो रवैया क्या है नगर आयुक्त का, क्या रवैया रहा? आपने जब रखा उसके बाद बैठक भी आपातकालीन बुला ली गई थी नगर आयुक्त के द्वारा, क्या उसमें निर्णय हुआ, क्या बात कही गई, जमाबंदी कैंसिल करने के लिए लिखा गया है डीएम को या फिर? जमाबंदी कैंसिल करने के लिए लिखा गया, नगर आयुक्त महोदय ने लिखा है और अपना जो बकाया राशि था उसको भी पेड करवा दिया गया है। अच्छा, ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये जो जगह है, देखिए कितना सुंदर जगह है,
यहाँ से दरभंगा नगर निगम को लाखों रुपया का राजस्व मिल सकता है यहाँ पर अगर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो। ये सोनी जी, ये आपके वार्ड में पड़ता है, बहुत सा अच्छा सुंदर जगह है, तो इसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने में क्या दिक्कत है? अगर नीचे में पार्किंग हो जाए, ऊपर में 3-4 लेवल का इसमें NOC मिल जाएगा, तो विधायक अपने फंड से या फिर जो नगर विकास विभाग है वो कर सकती है इस फंड से, तो इसके लिए अप्रूवल क्यों नहीं होता? इसके लिए आपने क्यों नहीं प्रपोजल दिया, या प्रपोजल दिया आपने इस पर, या अतिक्रमण के लिए छोड़ दिया है? नहीं भैया, ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं, मैंने प्रपोजल दिया था बोर्ड के बैठक में भी, मैंने नगर आयुक्त महोदय को, अध्यक्ष महोदय को कहा था कि इसको जो है पार्किंग को पूरा मॉल बना दिया जाए, इसको मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, लेकिन इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया अभी तक। ये वही हाल हो गया जो और भी सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करके दरभंगा में कई सारे 96 अतिक्रमण ज़मीन जो हमारे नगर निगम की है उसको भूमाफियों के द्वारा कब्जा किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं और ख़ासकर मेयर और डिप्टी मेयर क्या कर रहे हैं, क्या जैसे 96 आपने कहा कि अतिक्रमण हो चुके हैं ज़मीनें, क्या उसको खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है? क्या दरभंगा नगर निगम के पास उतनी हिम्मत और ताकत नहीं है? क्या उनके कर्मचारी की मिलीभगत से ये तमाम ज़मीनों को निजी किया जा रहा है, निजी बनाने का प्रयास किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल हम नगर आयुक्त के साथ, नगर आयुक्त तो बाहर के हैं, आते हैं जाते हैं, हम पूछना चाहते हैं, इससे पहले भी जो मेयर रहे हों, अभी जो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, क्यों नहीं उसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ताकि उससे लाखों करोड़ों की आमदनी हो और उससे नगर का विकास हो? क्यों उस पर उसको क्या अतिक्रमित या बेचने के लिए या उसको दखल करवाने के लिए उसको खाली रखा जा रहा है? आखिर इस पर पहल क्यों नहीं होती? नगर विधायक क्या कर रहे हैं? क्या नगर विधायक सौंदर्यता प्रेमी नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने, कई लोगों का यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और एक अच्छा स्थल बन जाएगा? संजय सराबी ने क्या कहा आपको? सोनी जी, उन्होंने आश्वासन दिया था मुझे कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, पता नहीं अब तो वही बताएंगे कि क्या हुआ। और विभाग की बात जहाँ तक है, मेरे ख्याल से पब्लिक प्रॉपर्टी है ये पार्किंग हमारी, बहुत सारे गरीब लोगों को यहाँ पे अगर कमर्शियल कर दिया जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं कि बैठने का ठिकाना, कारोबार का ठिकाना, प्लस जो है निगम को उससे प्रॉफिट ही आएगी। इससे तो क्या लगता है, एक साजिश, सोनी जी क्या लगता है साजिश है? हम बता दें, कुछ सूत्र हमारे जो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि दरभंगा टावर के आसपास के जो शोरूम हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने, इसलिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को नगर निगम में लगा दिया है कि कभी भी इस पर विचार ना हो, क्योंकि अगर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अगर हसन चौक पर बन जाते हैं तो उनका व्यवसाय आहत ना हो, इसीलिए उनके कुछ आदमी, उनके कुछ सूत्र दरभंगा नगर निगम में इस तरह पैठ बनाए हुए हैं कि इतने बड़े अच्छे स्थल को यहाँ पर नहीं बनने देना चाहते हैं, क्योंकि हजारों लाखों रुपये के फायदा होगी दरभंगा नगर निगम को। हम मेयर से कहना चाहते हैं, हम डिप्टी मेयर से कहना चाहते हैं और दरभंगा के तमाम जनता की आवाज़ है कि इस पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने ताकि रोजगार भी मिले, सुंदरता भी बढ़े, और ख़ासकर दरभंगा के नगर विधायक संजय सराबगी, जिनके बारे में कहा जाए वो 5 स्टेप आगे सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते इस स्थल को? दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे स्थल हैं, क्यों नहीं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है? क्यों इसको इस तरह बेकार रखा जाता है ताकि कोई भी इसको हड़प ले? अब सवाल यह है, क्या इसमें कोई साजिश है? अगर साजिश है तो वो भूमाफिया कौन है? उस पर अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या इस पर FIR दर्ज की बात हो रही है? सुनी जी, मैं तो बस जिस दिन DM सर के पास गई थी तो सर ने सभी को फ़ोन घुमाया था, CO सर को भी उस दिन, तो मैंने उसके बाद क्या एक्शन लिए, क्या कार्रवाई हुई उसकी सूचना मुझे अभी तक नहीं है। और ये पार्किंग का जो आप बताए हैं कि वहाँ पर के कुछ दुकानदार मॉल वाले काम को रुकवा रहे हैं, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं ये तो कह रहे हैं ना, वहाँ बहुत बहुत जो दरभंगा टावर के आसपास जो बड़े शोरूम हैं वो चाहेंगे थोड़ी कि हमारा व्यवसाय ख़त्म हो जाए और नगर निगम का व्यवसाय बढ़ जाए, वो नहीं चाहेंगे, इसीलिए वो अपने कुछ लोगों को लगाए हुए हैं कि जब भी ये आवाज़ उठे दाब दो। तो आपकी भी आवाज़ दब गई है, आपने भी, आप क्यों नहीं प्रपोजल लेकर दरभंगा के मेयर के पास जाइए, आप नगर जो विधायक उनके पास जाइए, सांसद उनके पास जाइए ताकि वहाँ फंड आ जाए, वहाँ बन जाएगा तो आपके राज्य में, यानी कि आपका जो सेशन है
उस समय एक अच्छा काम होगा और जनता देखेगी कि सोनी पूर्वे ने दरभंगा के जनहित में एक अच्छा काम किया। इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी, खड़ी होनी पड़ेगी, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे सोनी जी। भैया मैं अपने जनता के लिए ही चुन के आई हूँ सेवा के लिए, और मैं हमेशा मरते दम तक उनके लिए खड़ी रहूँगी। ऐसे ही मैं 15 दिन से परेशान नहीं हूँ, यहाँ से लेकर पटना तक देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए, क्या आप प्रपोजल देंगे, फाइनली प्रपोजल देंगे, मीडिया के सामने प्रपोजल देंगे ताकि वहाँ पर अतिक्रमण खाली हो और वहाँ पर एक भव्य कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने? अगर 3 मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, देखिए कितने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स निजी बन गए हैं, लेकिन दरभंगा नगर निगम की अपनी ज़मीन पर नहीं बन पा रहा है। तो ये जो कुछ लोग हैं दरभंगा टावर के आसपास जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर बने, उन लोगों की एक साजिश है जिस वजह से ये जगह को अतिक्रमण किया जाता है। चलिए सोनी जी, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि दरभंगा की जनता जानना चाहती है कि सोनी पूर्वे के अगले कदम से क्या वहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आपकी आवाज़, आपकी लड़ाई में पूरी दरभंगा की जनता साथ है क्योंकि आप सच्चाई ईमानदारी से उस जगह को बचाना चाहती है, वहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती हैं ताकि सुंदरता भव्यता के साथ वहाँ एक अच्छा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, लाखों की आमदनी निगम को। धन्यवाद सोनी जी, फिर आपसे बात करते रहेंगे।